नमस्कार दोस्तों, द कंप्लीट कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं वो पांच बेस्ट मोबाइल फ़ोन्स जो कि मार्केट में अभी अवेलेबल हैं और हमें कौन सा मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, किस में से हमें कौन सा मोबाइल फ़ोन हमें ख़रीदना चाहिए, आज की डेट में कौन सा बेस्ट है, किसको हम क्या रेटिंग देंगे। तो आज के वीडियो में हम उन सभी मोबाइल फ़ोन्स के स्पेसिफिकेशन, उनकी वैल्यू और उनके प्राइस के हिसाब से उनको कंपेयर करेंगे और उनको रेटिंग देंगे 1 to 10 में और देखेंगे कौन सा मोबाइल फ़ोन आपके लिए बेस्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं आपके लिए कौन सा मोबाइल फ़ोन बेस्ट होगा। तो यहाँ पर 5 स्मार्टफोन्स की बात की जाएगी जो बेस्ट होंगे, हर तरीके से बेस्ट होंगे अब, और जो मार्केट में अवेलेबल हैं उस हिसाब से उसको हम कंपैरिजन करेंगे कि अंडर 15,000 हमें कौन सा मोबाइल लेना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं सबसे पहला मोबाइल फ़ोन कौन सा है और हम यहां पर किन किन चीज़ों के लिए बात करेंगे। यहां पर हम बात करेंगे अंडर 15,000 रुपीज़ में आप कौन सा बेस्ट मोबाइल फ़ोन ख़रीद सकते हैं, और दूसरी हम बात करेंगे कि हम इनको रेटिंग करेंगे 1 to 10 में कि कौन सा मोबाइल फ़ोन की जो रेटिंग है वो 1 to 10 में कितनी है, और हम बात करेंगे यहाँ पर मोबाइल की स्पेसिफिकेशन की और उसको कंपैरिजन करेंगे अदर जो मोबाइल हैं कंपटीशन में मार्केट में, तो उनके साथ उनका कंपैरिजन भी करेंगे। इसके अलावा हम तो यहाँ पर हम लास्ट में जो बात करेंगे बाय और नॉट बाय की, यानी कि मोबाइल को ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला जो मोबाइल फ़ोन है वो है मोटो G51 और ये 5G मोबाइल फ़ोन है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे स्पेसिफिकेशन इसके अंदर मिल जाते हैं, जैसे कि जो सबसे पहला इसका एडवांटेज है वो है फ्रंट कैमरा जो है 13 मेगापिक्सल का दिया गया है। इसके बाद लंबी जो इसकी बैटरी लाइफ है 5000 मेगाहर्ट्ज की इसकी MAH की बैटरी है, और स्क्रीन का साइज़ अगर आप देखते हैं तो 6.8 की एक बड़ी IPS LED स्क्रीन है यहाँ पर। तो यहाँ पर LCD स्क्रीन आपको मिल जाती है, जो स्टोरेज है इसका वो 64 GB का आपको मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 11 में ये उपलब्ध है, और इसकी कीमत की अगर हम बात करें तो 15,200 रुपये तकरीबन ये मार्केट में आपको अवेलेबल होगा। इसको हमने रखा है पहले नंबर पर। इसके बाद तो जो हमारा सेकंड मोबाइल है वो है Redmi 10 Prime जो कि 128 GB स्टोरेज के साथ उपलब्ध है मार्केट के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर 6 GB रैम मिल जाती है जो कि बहुत ही फास्ट आपको स्मूथ एक एनवायरनमेंट देती है ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, और इसके अलावा हम बात करते हैं 6.5 इंच की इसकी स्क्रीन है। स्टोरेज यहाँ पर हमें 128 GB का मिल जाता है, एंड्रॉयड 11 पर ये भी वर्क करता है, और फ्रंट कैमरा जो अगर हम बात करें तो यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का है, और जो इसका मेन कैमरा है बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल्स के 3 कैमरे यहाँ पर उपलब्ध हैं बैक साइड में। और यहाँ पर जो अगर इसकी बात की जाए तो तकरीबन 14,999 रुपये का ये मार्केट में आपको उपलब्ध है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं तीसरे मोबाइल फ़ोन की, तो यहाँ पर आता है ओप्पो का K10 जो कि 6 GB रैम के साथ है, बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, फ्रंट कैमरा यहाँ पर बहुत अच्छा मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का, जिससे आप सेल्फ़ी वगैरह बहुत हाई क्वालिटी की ले सकते हैं। इसके अलावा 5000 mAh की यहाँ पर बैटरी हमें मिल जाती है, और यहाँ पर तकरीबन 6.56 की IPS LCD स्क्रीन मिलती है, और यहाँ पर स्टोरेज भी बहुत बेस्ट दिया जा रहा है, 128 GB का स्टोरेज है। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर एंड्रॉयड 11 है, और ये अगर हम बात करें इसकी कीमत की तो लगभग यहाँ पर ये दोनों कीमत सेम है, 14,990 रुपये में ये आपको मिल जाता है। जो बेस्ट फीचर है इसका कैमरा है जो कि हमें 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 13 मेगापिक्सल का 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा हमें यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है।
इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सैमसंग गैलेक्सी F22 की, और यहाँ पर ये स्टोरेज इसमें 128 GB का स्टोरेज मिल जाता है। एंड्रॉयड 11 पर ये वर्क कर रहा है। फ्रंट कैमरा 13 MP का है और जो बैक कैमरा है 48 MP का है। 6 GB रैम है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी स्क्रीन की, तो यहाँ पर स्क्रीन 6.5 इंच की है, यानी कि 6.4 इंच की यहाँ पर आपको स्क्रीन मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की, तो बैटरी यहाँ पर बेस्ट मिलती है। आपको बैटरी मिल जाती है 6000 mAh की, जो कि लॉन्ग बैटरी लाइफ आपको उपलब्ध कराएगी, बैकअप आपको अच्छा उपलब्ध रहेगा। तो यहाँ पर ये मोबाइल फ़ोन्स उपलब्ध हैं, अगर आप चाहें तो मार्केट से परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट हमारा है, जो हमारा नेक्स्ट मोबाइल फ़ोन है, इन्फिनिक्स हॉट 11 S 28 GB का, जो कि यहाँ पर उपलब्ध है एंड्रॉयड 11 पर। 128 GB इसकी कैपेसिटी है स्टोरेज की। 6.78 का IPS LCD स्क्रीन है। 5000 mAh की बैटरी है। फ्रंट कैमरा 8 MP का है। बैक कैमरा अच्छा दिया गया है 50 MP का। और यहाँ पर जो रैम की बात की जाए, तो रैम यहाँ पर थोड़ी सी कम है, 4 GB की रैम उपलब्ध है। लेकिन इसका जो प्राइस है, प्राइस देख के आप देखेंगे, जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो बेस्ट है, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो है 10,790, यानी कि तकरीबन 11,000 रुपये में आपको ये 50 MP कैमरे के साथ उपलब्ध होगा। तो अगर आपको इन 5 मोबाइल फ़ोन्स में से जो भी मोबाइल लेना है, तो यहाँ पर ये 5 बेस्ट मोबाइल फ़ोन्स हैं जो अभी मार्केट में अवेलेबल हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।